गुड मॉर्निंग, नमस्कार, चलो एवरीवन। यार इसे फिल्टर ही नहीं लगता, फ्रंट कैमरे से कितना काला सा मुँह दिख रहा है मेरा। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ, नाश्ता बनाने लग गई हूँ। अभी नोनी को मैंने उठाया नहीं, मतलब बिना उठाया वो उठेगा नहीं। चंदन और दीपक को आवाज़ दी तो दोनों उठ चुके थे। तो मेरा मनी प्लांट, नो, मत गिरना। तो मेरा मनी प्लांट जो मैंने फ्रिज में लगा रखा था ना, उसको देख रही थी, वो पूरा ही बाहर आ गया। छोटी सी पत्ती आ रही होगी, ये देखिए, ये छोटी सी पत्ती। तो ये मैंने लगाया हुआ यहाँ फ्रिज मैगनेट में इस तरह से। तो रोज़ हाथ लगाऊंगी तो ख़राब ही हो जाएगा, रोज़ टच करती हूँ मैं इसको। तो कूड़े वाली आई थी, कूड़ा दिया, फिर मैंने किचन साफ़ किया क्योंकि कल मेरी मेड नहीं आई थी और रात को आके ना बिल्कुल नहीं दिल चाहता कुछ भी करने को। तो इस करके फिर सुबह उठ के ही सारा काम करा मैंने। अब लगी हूँ मैं नाश्ता बनाने। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं नाश्ता और लड़कों को भेजते हैं दुकान, फिर उसके बाद निकलते हैं खुद भी दुकान की तरफ। तो नोनी को उठाती हूँ पहले। तो मैं तो आमा जी की भी हो चुकी है पूजा पाठ और अभी काम करना बाकी रहता है। नोनी, तो आजकल मुझे ये नया काम मिला नोनी को और लड़कों को उठाने का। उठ, रात भर नहीं सोता नहीं लड़का, फिर सुबह उठता नहीं था, मुझे गुस्सा आ रहा था, रजाई खींच रहा। और उठा यूरी, 9 बज गए, कंबल रजाई दो दो पहन के सोना, फिर शर्ट उतार के सोना इसको, नंगू कहीं का। इधर देख कितना आज्ञाकारी लोग होते, इतना कहना मानता नोनी तो जवाब भी देता है, इतना बदतमीज है ना ये। कैमरे के लिए करता तू ऐसा, कैमरे के लिए करता तू ऐसा, मजाक कर रही हूँ। ये ऐसे ही पता है, अजीब सा प्राणी। तो रात को कितने बजे तक जागा था? एक। क्यों? यूट्यूब देख रहा। तेरा यूट्यूब देखा, पढ़ना मत तू, कभी ये नहीं बोलेगा पढ़ रहा था मैं। रात को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। रात को पढ़ाई नहीं, सुबह तो बड़ी पढ़ाई कर रहा था अभी, बिल्कुल नहीं पढ़ने लिखने का इसको। शुक्र है कमरा थोड़ा साफ है इसका, थोड़ा साफ है, मतलब बहुत साफ तो नहीं पर थोड़ा सा साफ है। और ये मैं देखिए इतना सारा कपड़ा पहन के बैठी हूँ, ये इतना मोटा टी शर्ट, उसके ऊपर स्वेट शर्ट। तो इस तरह से हो रहा है। शीशे में गोरी देखी, फ्रंट कैमरे में इतनी काली दिख रही थी मैं, तो हैं मैं हूँ काली। चल मैं हूँ काली। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं किचन में। अच्छा मैं हूँ गोरी, अच्छा मुझे काली बोल रहा है। अच्छा तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं किचन में। ये मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, तो मैंने क्या किया ना सबके लिए साथ ही में चाय रख दी, क्योंकि मेरे पास दूध था सिर्फ इतना सा, एक कप भर के दूध, बस इतना सा ही दूध मेरे पास। अभी नोनी उठाई है शुरू से, जब ये लेने जाएगा तब जाके फिर होगा। तो ये आटा तो गूंद के रखा था तारा ने, मतलब इतने इतने दिन का गूंद के रख देती थी एक साथ ही। तो चलिए मैं बनाती हूँ नाश्ता। और ये देखिए मेरे फूल पत्ते, और जो यहाँ पे रखा था ना डोर पे इधर वाला, वो तो दरवाजे पे अटक रहा था, तो फिर उसको उठा के ना यहाँ रख दिया बाहर को, लाउंज में रख दिया मैंने इस वाले को। तो लीली यार मैंने कल देखा था एक दादू इतनी बड़ी बड़ी लीली लेके जाती थी, जैसे कि मेरे इसमें भी उग सकती, इतनी बड़ी बड़ी लीली आ रही है यहाँ पे भी लग रहा है तुझे। तो सब जगह पे हर डोर आई मेरा ही पौधा, तो बहुत ही बड़ी बड़ी लीली लेके जा रहे थे यार। मैंने कहा मेरे इसमें तो एक भी लीली नहीं खिली है, तो ये लग गया था उस दिन दरवाजे में, तो ऐसा लटक गया ये। तो चलिए फ्रेंड्स अब बनाते हैं हम नाश्ता। और मौसम की अगर बात करें ना, तो मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरा कुर्ता टंगा हुआ, फिरन टंगा हुआ, कल मैंने धो के इसको टांग दिया था बाहर। तो मौसम आप देख सकते हैं बादल ही बने हुए अभी तक भी, मतलब आज तो तेज़ धूप सुबह से ही नहीं है, कल तो सुबह सुबह तेज़ धूप थी, लेकिन आज क्या है सुबह से ही बादल बने हुए ऐसे। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं, तो लड़कों को देर हो जाएगी फिर। और एक चीज़ देखिए, ये प्लांट मेरा, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरी सर्जरी के बाद जब मैं इधर आ रही थी ना, तो मैंने प्लांट लिए थे स्नेक प्लांट और इस तरह के ऐसे वाले, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे इंडोर टाइप के प्लांट ना, जंगली है तो टूट ही गया देखो इसका। तो ये लिया था मैंने, तो तब से अभी तक चल रहा है, 2-3 साल हो गए इसको मेरे ऑपरेशन के टाइम से, जब मैं दिल्ली से लौट के आ रही थी। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों रखा हुआ ऐसा कट्टा सा। और ये फायर प्लेस का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि अभी तक जो ठंडी स्टार्ट नहीं हुई हमारे यहाँ पे, तो जब ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे भी हम ऐसे ओकेजनली जलाते हैं इसको क्योंकि हम अंदर ही बैठते हैं ज़्यादातर, तो ये जलता बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स सुबह के 9 बज चुके थे और क्रेज की बिस्किट मैंने नहीं दिए थे, तो मैं जा रही थी क्रेज की बिस्किट देने के लिए। वो मैंने रखे हैं यहाँ पे बाहर के जो चेयर है ना इसके नीचे, ताकि एकदम से उसको निकाल सके यहाँ से। तो ये देखिए ये जो कमल थे ना जो मैंने खरीदे थे, ये मेरे इस साल भी नहीं खरीदे, मतलब मैं हर साल खरीदती हूँ, मेरे कभी नहीं खिलते हैं। तो किस किस के ये कमल खिलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं इसको धूप में लेके जाती हूँ, धूप में रखती हूँ, अगर खिल गई तो, अगर ग्रेस अंदर आई तो ग्लास के साथ ये टूट जाएगा, अगर नहीं आई तो क्या पता धूप में रख के गर्म से खिल जाए ना, तो खिलते ही नहीं मेरे हर साल ही। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ कौन कौन कमल लेता है दिवाली पे, और किस किस के खिलते हैं और किस किस के नहीं खिलते हैं। तो चलिए हम लोग देख के आते हैं ग्रेस को बिस्किट, और धूप लगी है बिल्कुल हल्की सी, और हमारा हीरो उठ चुका है। हे हीरो, पहले से उठ गया था, बाहर तो अब निकला, मुँह धोया पता नहीं, कोई भरोसा नहीं इसका, गंदा सा ही लड़का मेरा। तो इसको मैंने यहाँ धूप में रख दिया, धूप से क्या पता खिल जाए, लग नहीं रहा है मुझे खिलेगा ये, क्योंकि इसके नहीं पूरे ख़राब जैसे हो रखे, देखो काले पड़ गए नीचे से पूरे। तो चलिए चलते ग्रेस की तरफ और देते हैं ग्रेस को बिस्किट, सिर्फ 2 दिए। नहीं तू देता है ग्रेस को बिस्किट, सिट 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 सिट
अब दूंगी, नहीं तो नहीं दे रही मैं। सिट, पहले सिट, पहले सिट वाला। हाँ सिट सिट सिट, नहीं दूंगी। सिट सिट सिट, गुड गर्ल। ये देखो इतना कहना मानती है हमारी गेशु। गेशु लो लो, दांत मुंह में है नहीं, एक बिस्किट भी नहीं खा पाती, तो क्या है ऐसे दांत इसके। इस साइड से आप देख सकते हैं मौसम कोरा लगा है। एक नीचे पड़ा हुआ, फिर हाथ में जंप कर रही, डरा दिया इसने मुझे। सिट 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 सिट, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। ये को ना बिल्कुल मेरी बात को मानती नहीं है, वो खाएगी मेरे से डंडे। बिस्किट खाना पसंद है इसको, बिस्किट खाना पसंद है इसको। देखो यहाँ पे बिस्किट खाना पसंद है इसको। आज मैं बाहर नहीं गई, अंदर से दे दी उसको बिस्किट। लो सिट 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 प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। हाथ हाथ लंबे करो, हाथ आगे ले, टाइम वेस्ट करेगी मेरा। ओ कहाँ गया, हाँ मिल गया, देखना मुँह मत काट दियो अपना, पीने पे गिरा। बस फिनिश फिनिश, चलो अब घूमो, गो गो गो, जंप ग्रेस, जंप 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 जंप, डफर डफर जंप। देखने इसको मिठाई सुबह सुबह मना कर रही हूँ खाने को, जबरदस्ती खा रहा है फिर भी। उसको खाना था वो वाली मिठाई। ग्रेसी को देख, वहाँ ग्रेसी को देख, कैसे देख रही थी, वहाँ से भाग गई, विंडो से देख रही थी। तो चलिए नाश्ता करते, आइए भाई साहब नाश्ता करें। वीडियो बनाने लगते ही भाग जाती है सेलिब्रिटी, जहाँ से आवाज आई वहीं आएगा। वीडियो देख के भागती, कैमरा देख के भाग जाती है। गंदा कर रखा इसने बाहर पूरी तरह से, और खुद ही फिसल, इतना सूसू कर रखा है यहाँ पे। पूरी कुर्सियाँ हटानी पड़ेगी यहाँ से, खाली करनी पड़ेगी एरियाज के लिए। घुस जाएगी यहाँ से अंदर। कैमरा है यहाँ पे, देख कैमरा, कैमरा देख यहाँ पे कैमरा। ओए ओए ग्रेसी, कैमरा है यहाँ पे कैमरा। जा ग्रेसी फाजा, फोटो खींच ली ग्रेसी की, भाग गई भाग गई। देखिए इस लड़की की हरकत है ना, नाश्ता नहीं करा, ऑरेंज खोल रहा सुबह सुबह। सुनेगा नहीं ना कहना, सुनता नहीं ना कहना। पहले इसने आते सुबह से सबसे पहले पेठा खा लिया मुँह मीठा, उठते ही मुँह बिंद होया था। उसके बाद मुँह धो के भी नहीं आया शायद, पता नहीं कुल्ला करके भी आया नहीं आया होगा, हाथ धो के सिर्फ आया, और उसके बाद संतरा खोल दिया। ऐसे तो ये हरकतें कर रहा, नाश्ता इसने करना नहीं है, तो मैं लगी हूँ नाश्ता करने। ये है मेरा नाश्ता, लौकी की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, और ये चपातियाँ घी लगी चपातियाँ, और ये मेरी फीकी चाय विदाउट शुगर, क्योंकि मेरा जैगरी पाउडर ख़त्म हो गया है, मैं लेके नहीं आई हूँ। और इसमें ना ये देखो काकू, इसको खाऊंगी अभी मैं थोड़ी देर में, पक गया बहुत मज़ेदार, मस्त मस्त पका खाती हूँ उसको, बड़ा मस्त लगता है मुझे, टेस्टी। हिमाचल में पके हुए आजकल बहुत जाना हो नहीं रहा मेरे, मगर हाँ पक गया, पूरा पक गया प्रॉपरली। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले फटाफट। तो फ्रेंड्स ये होती है मेरी चाय की पत्ती, जिसको कि मैं धो धा के ना पूरा साफ धो के फिर डालती हूँ अपने इन पौधों में। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखी थोड़ी सी डाली हुई ना, सूख गई अभी, इसमें तो काफ़ी सारी डाली हुई, अगर नहीं साफ धोई धुली हुई तो फंगस सी लग जाती है, फंगी लग जाती। मेरे कान से ना टू आवाज़ आई, पता नहीं क्या हो गया, अरे राम थी भयंकर आवाज़ आई मेरे कान में से, बहुत ही भयंकर सी आवाज़ आई है कान से। तो चलिए इसको आज इसमें डाल देते हैं। वैसे तो मेरे सारे पत्तों में ना बड़े अच्छे खाद है इनमें सब में, मतलब सारे फूलों में अच्छी खाद है। ये मैंने कल इसमें से फूल काट के इसको यहाँ गाड़ा था, जो कि सूख ही गया है, ये वेगा तो नहीं। और ये मेरा पौधा यहाँ पर डाला हुआ है, जो पीस लिली का, ये मेरे पीस लिली के काफ़ी अच्छे प्लांट्स है, जैसे ये वाला मैंने अंदर जो रखा था पीस लिली का, ये ना। और गुड़हल के है मेरे पास तीन चार पौधे, चार पौधे हैं, दो तो भी नए लिए, रिसेंट जो लिए थे मैंने, ये येलो कलर का, इसमें तो खिल ही नहीं रहे हैं, कब से ऐसे खिलने के लिए तैयार हुए हुए, छोटे छोटे से खिलेंगे शायद। चलिए कुछ तो खिले इनमें, तो अभी कुछ भी खिला हुआ नहीं है बगिया में, सिर्फ ये दिवाली वाले फूल खिले हुए हैं, गोदावरी बोलते इसको, क्या बोलते हैं गोदावरी बोलते शायद ना, और एक खिला हुआ ये वाला, ये जंगली फूल है बस, बाकी कुछ नहीं खिला हुआ अभी, जबकि इस समय तो अच्छे अच्छे खिले होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, पीले वाले जो होते हैं गेंदा फूल। तो चलिए इसको मैंने काटा था ना इस बार, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा अजीब पतला सा था ये, मैंने इसको काट के दोबारा उगाया ना, सूख ही गया बेचारा, वो गई नहीं, बस इसमें एक टहनी उगी हुई है, बाकी सारे सूख गए इसमें। मेन जो जड़ है इसका वो हरा है, शायद उग जाए बाद, तो उसको ऐसी रख देती हूँ कि अब तक उग जाएगा। इसमें वाइट कलर के फूल खिलते, बेल जाती बहुत बड़ी सी। और तुलसी मैया को मैंने यही किया था, पूरा उखाड़ के दोबारा उगाया था, इसका इसमें भी यही हाल हो गया तुलसी मैया का भी। तो चलिए यहाँ से मैंने कुछ गमले निकाले हुए ना, तो खाली सी जगह हुई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स आज मौसम है बादल बादल सा, और अब मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। आज मेरे को बाजार होके जाना पड़ेगा, एक्चुअली मेरी जैगरी पाउडर, मेरा शैम्पू, मेरा काफ़ी कुछ सामान ख़त्म हुआ पड़ा हुआ है। तो चलें बाय बाय।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा स्किन केयर मैंने लिया है, एक टोमेटो, इसमें लिए है मैंने कॉफ़ी, और फेस पे हनी अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा। तो ये होता है टैनिंग रिमूव करने के लिए, थोड़ा सा अगर टैन हुई है स्किन तो मेरी स्किन टैन तो नहीं है, मतलब पिगमेंटेशन मेरी परमानेंटली है, ये जाती नहीं पिगमेंटेशन, चाहे कुछ भी कर लो। और पार्लर गए हुए हो गया मुझे एक अरसा, हम लोगों को पता मिडिल क्लास लोगों का क्या होता है, किसी की शादी ब्याह पार्टी फंक्शन हो तभी हम लोग पार्लर वालर जाते हैं। तो इस बार मैं कब गई थी, सितंबर में गई थी शायद, जब हमारे भतीजे की इंगेजमेंट थी उस दौरान। उसके बाद मैंने ये करवा चौथ में भी, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी सारा रैशेज हो रखे थे स्किन पे, और यहाँ देखिए नेक पे भी ना काफ़ी ज़्यादा रैशेज थे मेरे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने के बहुत एलर्जी हुई थी मुझे भयंकर वाली। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो ये मैं टमाटर में हनी और कॉफ़ी आप ले सकते हैं, और इससे थोड़ी देर से रब करेंगे तो टैनिंग अगर है ना तो टैनिंग रिमूव हो जाएगी आप लोगों की। तो आज मेरे पास टाइम तो नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल ही देती हूँ अपने फेस के लिए, वैसे कुछ असर होता नहीं है मगर फिर भी कर लेती हूँ मैं। तो अगर आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो आपको असर दिख जाएगा, मगर मेरे को इतनी ज़्यादा टैनिंग नहीं है क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ भर भर के, और फिर दिन भर दुकान के अंदर ही बैठी रहती हूँ, बाहर निकलना होता नहीं धूप में, तो टैनिंग का थोड़ा ज़्यादा सवाल उठता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर नहाते हैं और निकलते हैं दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स मेरे को इसको रब करते हुए हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3-4 मिनट। तो अब मैंने क्या किया, पहले तो मैंने कॉफ़ी और टमाटर को ही रब करा इसमें, उसके बाद क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है ना, तो फिर मैंने और हनी डाल के, मैं हनी के साथ रब कर रही हूँ। अगर स्किन ड्राई नहीं है तो आप हनी जो शुरू में डालते हैं बस उतने से भी हो जाएगा, अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है ना तो आप उसको हनी को दोबारा से भी डाल सकते हो। फिर दोबारा से हनी डाल के अप्लाई करा। हाँ क्या होता है दिमाग को, पूरी कोशिश करते हैं कि मैं जवान लगूं, लफा लगाऊंगी खींच के। आज इसी को क्यों शूट कर रहे हो बार बार, यही दिख रही सब तरफ नहीं आती कैमरे में, तो आना ही नहीं मत सी डिस्टर्ब कर, खाने जो खाते समय तो घुराती है उसको हाथ लगा जा रहा। तो फ्रेंड्स तैयार होते होते मुझे हो चुके हैं 11:15। तो मैं देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गई हूँ, मैंने अप्लाई कर सॉरी मैंने पहना है ये रेड कलर का सूट, मोटू लग रही हूँ बहुत ज़्यादा, शीशे में तो लग रही है इसको, बड़ी मोटू सी लग रही हूँ। तो ये वाला सूट, और ये मेरे कल परसों मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी, वो कह रही थी आपके पास बहुत अच्छा सा सूट था, क्या वो है आपकी दुकान में, तो मैंने कहा नहीं वो मेरी दुकान में नहीं है। तो ये, और मैं देखिए मैंने जो टोमेटो का वो लगाया था, क्या उसका कुछ असर लग रहा है आप लोगों को, जो मैंने वो लगाया था क्या कहते हैं उसको, एंटी टैनिंग जो था वो टैन रिमूवर बनाया था एक। तो उसके बाद मैंने फेस वॉश करके ना, उसके बाद मैंने लगाया सबसे पहले अपना मॉइस्चराइजर जो कि लगाती हूँ मैं कोकोनट का बाम या कोकोनट ऑयल जो भी, तो कोकोनट बाम था वो लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने लगाई अपनी ओले वाली क्रीम, और इसके बाद फिर लगाया मैंने अपना ये वाला सनस्क्रीन बायोटेक का है। वैसे मेरे पास ये वाली क्रीम भी है बीबी क्रीम, पर इसको मैं कभी ही कभी लगाती हूँ, नहीं तो मेरी स्किन जो है फट जाती है, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक रैशेज हो जाते हैं। और लगाया फिर मैंने लैक्मे का काजल आइकॉनिक, और उसके बाद मैंने लगाया रेवलॉन का लिपस्टिक जो कि ये है। बस तो मैं हो गई हूँ बस इतने से ही तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स 11:15 बज चुके हैं, भागते हैं दुकान की तरफ, फिर मेरे को बाजारों के जाने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर मेरे को जाना पड़ेगा आज आवाघर से होते हुए। तो आज की जो सुबह की रूटीन थी मेरी बस इतनी ही। तो चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं दुकान की तरफ। फ्रेंड्स घर से आ गई थी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगी मैं सब्जियाँ लेने, सब्जियाँ लेवा के रख दूंगी। बैंगन तो है, बैंगन भी रख दे 1 किलो, अच्छा अच्छा है ना, उस दिन वाला तो बैंगन बहुत ख़राब सा था, वो तो अच्छा भी नहीं था। तो ये सब्जियाँ मैं लेवा के रख देती हूँ यहाँ पे, और नोनी उठा के ले जाएगा, तो मैं हो गई एक्चुअली लेट दुकान के लिए भी ना, तो मैं भैया बोल रही थोड़ा जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। कद्दू शायद बड़ा होगा, लौकी कल बनाई थी, लौकी कल वाली बड़ी अच्छी थी, और करेले कैसे दे रहे, 1 किलो करेला भी रख दे। चलो चलो बता देना मुझे फिर, हाँ सही जोड़ना है प्लीज, मेरे को टाइम नहीं, देख ले मैं यहाँ बोलूँ सही जोड़ना, पब्लिक को बोलूँगी वरना गलत जोड़ता है बंदा। तो फ्रेंड्स ये हमारी सबसे पास की सब्जी की दुकान, एक यहाँ पे एक आगे पांडे भैया की। तो चलिए मैं भागती हूँ दुकान की तरफ। सुबह के 11:15 स्टेट बैंक वाली रोड, कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पे। तो पता नहीं आदत हो गई यहाँ पे पहुँच के एक बार शूट करने की, और मैं हमेशा यहाँ पे पहुँच के शूट करती हूँ। यहाँ पे है स्टेट बैंक, तो लोग दिख रहे हैं आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जाते हुए, क्या चक्कर है, अच्छा लोकल सी है शायद। तो ये है स्टेट बैंक वाली रोड का नज़ारा सुबह के 11:15। मौसम आप देख सकते हैं पीछे खूब बादल। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग जो स्टेट बैंक वाली रोड है, मैं वहाँ से आके ऊपर से जो पिलर सा दिख रहा है इसके पास से नीचे आवागढ़ वाली रोड से उतर के, और यहाँ से हम सामने जाएंगे उधर को बाज़ार की तरफ, इधर से नीचे वाली रोड से जाएंगे मस्जिद की तरफ, और यहाँ पे है नगर पालिका की बिल्डिंग। तो चलिए हम उतरते हैं यहाँ से नीचे दुकान की तरफ, और मिलते हैं जाके पंत पार्क में। इतनी जल्दीबाजी। तो बास्केटबॉल कोर्ट में आज भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो क्या प्रोग्राम हो रहा है पता नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पतझड़ आप लोगों को साफ साफ नज़र आएगा, बिल्कुल देखिए
पेड़ पौधे सब सूखे सूखे लग रहे हैं, सारे पेड़ पौधे पत्ते झड़ चुके हैं। तो पतझड़ जोरों पे है नैनीताल में। यहाँ देखिए इस पेड़ को बिल्कुल सूखा लग रहा है ये। तो इस मौसम की भी एक अलग ही खूबसूरती होती है, पेड़ पत्तों के साथ भी अलग खूबसूरत लगते हैं, बिना पत्तों के भी अलग ही खूबसूरत लगते हैं। तो चले मिलते हैं पंत पार्क पे। तो फ्रेंड्स पहुँच चुकी हूँ मैं पंत पार्क पे और मेरा चश्मा नहीं पहना, जिसे मेरी आँखें भरी भरी सी लग रही है। क्या कहते हैं, मेरे को ना धूप से और धूल मिट्टी से भी एलर्जी सी हो जाती है, और तो धूप कम थी तो मेरा जो चश्मा ज़्यादा ही डार्क है। तो लाइट वाला जो चश्मा था ना, हल्की धूप में पहनने वाला, वो पता नहीं कहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा था, तो वैसी आ गई, तो मेरी आँखें ऐसी भरी भरी सी हो गई है। और मैं ना बिंदी लगाना भूल गई हूँ आज। तो ये है पंत पार्क का नज़ारा इस समय। देखिए स्कूल के बच्चे से दिख रहे, थोड़े से बच्चे वालों को दिखता दिख रहा थोड़ा बहुत सा हल्का फुल्का सा। और शाम के समय में फिर भीड़ भाड़ हो जाती है, अभी तो थोड़ी सी हल्की भीड़ रहती है दिन के समय में। ओ वाह वाह, ये और चल रही है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा लेक। तो चलिए चलते हैं लेक के पास में, थोड़ा सा लेक का व्यू भी दिखा देते हैं आप लोगों को। बाकी फिर दुकान पर जाके तो कुछ भी शूट करना नहीं रहेगा, मैं दुकान के अंदर ही बैठी रह जाऊँगी दिन भर। तो चलिए लेक भी दिखाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स ये खूबसूरत लेक और यॉट्स आप देख सकते हैं। तो पूरी लेक को मैं नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ बिल्कुल, ये खूबसूरत सा नज़ारा लेक का। बादल आप देख सकते हैं आगे से, भयंकर काले काले से बादल भी लगे हुए हैं अभी, और धूप भी लगी हुई है साथ में। तो ये यॉट्स जो कि लग रही है बहुत ही सुंदर। चले जी हम चलते हैं दुकान की तरफ। ये है आज की लेक व्यू, और इसके बाद तो मैं दुकान के अंदर ही बैठे रहना होगा मुझे, कहीं आना जाना हो नहीं पाएगा ना मेरा। तो ये देखिए साइड का भी नज़ारा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है लेक के बिल्कुल पास में आके, जहाँ पे ये बोट स्टैंड है ना, बोट हाउस क्लब के सामने में जो बोट स्टैंड है, इस बोट स्टैंड के पास में ही आप ले सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत से ड्रेसेस को पहनने के पहन के, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस इनके पास यहाँ पे रखी हुई है, तो इनको पहन के आप लोग ले सकते हैं तस्वीरें भी। तो ये देखिए यहाँ से इस साइड को कुछ इस तरह का व्यू है, और इस तरह की कुछ भीड़ भाड़ दिख रही है यहाँ पे बोटिंग के लिए जो लोग मतलब जाते हुए या फोटो खिंचवाने के लिए आते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फटाफट से दुकान की तरफ, और फिर मिलेंगे, देखेंगे अब कब मिलेंगे, मुझे खुद नहीं आइडिया। यहाँ पर फोटो सेशन वाला भी चल रहा है, और यहाँ पे जो है खूबसूरत सा बैंड हाउस, कुछ समय पहले तक जो है यहाँ पे बैंड बजता था, लेकिन अब वो मैंने नहीं देखा, एक्चुअली मैंने खुद भी नहीं देखा, तो पता नहीं कब बजता होगा वो। तो ये खूबसूरत सा बैंड हाउस, तो चले लगाते हैं रेस दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी थी दुकान पर, और अब देख सकते मौसम हो चुका था एकदम बादल सा, तो बहुत ज़्यादा बादल आज हो चुका है मौसम। तो देखते हैं क्या होता है, बारिश पड़ती या नहीं पड़ती, मतलब काफ़ी दिनों से बारिश का जोरों शोरों से इंतज़ार है, लेकिन बारिश की पड़ने को तैयार ही नहीं है। तो लोग दिख रहे हैं यहाँ पे सभी विंटर क्लोथ्स में ही दिख रहे हैं, मतलब आज तो ज़्यादातर लोग जैकेट्स वगैरह में दिख रहे हैं, जबकि इतनी ठंड हो नहीं रही है। तो करण सामने से तैयार है, मेरा मजाक उड़ा रही है, मतलब ये रोज़ लड़का ना मेरा मजाक उड़ाता है, अभी कैमरे के सामने नहीं उड़ाएगा, अभी देखो इधर सीरियस लग रहा है, अभी देख भी नहीं रहा है, फिर रोज़ करोज़ मेरा मजाक उड़ाएगा कुछ ना कुछ बोल के। तो ये रही हमारी दुकान। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन एक व्लॉग बनाती हूँ पूरे दुकान का ही, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मेरे को एक बंदा चाहिए जो सामने से मेरे वीडियो बनाए ना, तो देखते हैं अभी मिलता है मौका तो फिर करवाते हैं इसको भी शूट। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं कुछ देर में। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं दिन के 3, और ये है मार्केट का नज़ारा दिन के 3 बजे का। हल्के फुल्के से लोग, मतलब भीड़ भाड़ हो ही रही है ऐसे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखती, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना खुला खुला सा एरिया है यहाँ पे मार्केट साइड में, तो यहाँ पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ जैसे नहीं दिखती, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत कम से लोग दिख रहे हैं, तितर बितर से इधर उधर बिखरे से। जब हम जाते हैं उधर को ना फड़ वाली साइड को, इधर में फड़ वाली साइड में, इस साइड में दिखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत कंजस्टेड सा है ना वहाँ पे, रोड टूटी फूटी भी और दुकानें भी जब लग जाती तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, तो इसके बाद यहाँ पे लोग जो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ भीड़ ऐसा लगता है कि है नहीं, कम है, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है जब हम उधर को जाएंगे, या मॉल रोड जब जहाँ जहाँ नेहरू जगह है ना वहाँ पे पता चलता है भीड़ का, मतलब तो वहाँ पे देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको ना आगे में वहाँ पे, ये देखिए वहाँ पे चलने की जगह भी नहीं बचती है, फिर अभी दुकानें लग जाएंगी तो फिर तो बिल्कुल चलने की जगह तक ख़त्म हो जाएगी यहाँ फड़ वाली साइड में। तो ये दिन के 3 बजे का है, मौसम जो है आज ऐसी रहा हुआ बिल्कुल ही, सुबह से लग रहा कि बारिश पड़ जाएगी, लेकिन ना बारिश पड़ रही है ना मौसम में धूप लग रही है, तो अजीब सा ही मौसम बना हुआ है आज। तो ये इस टाइम में मौसम का हाल। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके बाद हम शाम को मिलेंगे हनुमान चालीसा का, जब पाठ हो रहा होगा तो हनुमान चालीसा में कोशिश करें हम भी सम्मिलित हों, पर लग तो नहीं रहा है मुझे क्योंकि दुकान पे कोई नहीं, तो मैं सम्मिलित तो नहीं हो पाऊंगी, पर थोड़ा सा मैं वीडियो शूट करके ले आऊँगी हनुमान चालीसा का आप लोगों को, ब्लेसिंग सबके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं शाम को ही। तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी हनुमान चालीसा शूट करने, जैसे ही मैं पहुंची तो अनमोल मिल गया मुझे प्रसाद लेते हुए, कि मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया,
तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ शूट करने वीडियो, और चलिए वीडियो शूट करते हैं। और प्रसाद के वाले में भीड़ खत्म हो चुकी है अभी, क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही होगी, क्योंकि सीजन भी लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोग टूरिस्ट भी आ जाते हैं। तो हनुमान चालीसा के टाइम में मतलब यहाँ से आ रहे जा रहे होते हैं। मेरे लिए प्रसाद दे दीजिए प्लीज, प्रसाद दे दीजिए, एक और दे दीजिए। हनुमान चालीसा का प्रसाद लेते हुए जाइए। आप चिल्ला के दे रहे हो, मांग भी ऐसी रहे दीजिए प्लीज दीजिए। चिल्ला चिल्ला के प्रसाद बांटे हमें, आज भी प्रसाद बहुत ज्यादा है, चिल्ला के बोलना पड़ा प्रसाद ले जाइए प्रसाद ले जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं हनुमान चालीसा में नहीं सम्मिलित हो पाई, तो मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। मैंने कहा था कि मैं आज हनुमान चालीसा शूट करूंगी, बट मैं नहीं शूट कर पाया। अभी मेरे को उसने बोला कि जाओ भाभी आप जाओ, मैंने कहा अच्छा तब मैं आ गई। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे और प्रसाद बट रहा है, तो आज तो ज़्यादा होना चाहिए भीड़ भाड़, तो आज भी भीड़ भाड़ नहीं है, लोग नहीं लिए आज प्रसाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं वापस, तो भाभी और मैं फिर अब चले कहीं और को चले। तो फ्रेंड्स, ये फुटपाथ वाली साइड पर भीड़ भाड़ भयंकर भारी भयंकर भीड़, तो बहुत ही भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो भाई तो थोड़ा सा भैया भाभी जी कहाँ आ गए, हम वैसे भीड़ में, बहुत ही भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। चलने का रास्ता ही नहीं, थोड़ा हो रहा है, चलने का रास्ता ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। वहाँ पे जाके पता नहीं चल, हमारे फील्ड में जाके वहाँ पता नहीं चला, दुकान के सामने खुला है ना, वहाँ खुला है, वहाँ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पता चल रहा भीड़। तो वहाँ पे क्या भीड़ हो रही है, मुंडिया ही मुंडिया दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, मुंडिया ही मुंडिया है। गुड इवनिंग, क्या कर रहा है इसमें और लगाना है तो एक्स्ट्रा चाहिए आपको, मुझे इतनी चाहिए एक्स्ट्रा बटर। तो ये हमारा है पाव भाजी, बना लो। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा बटरी हो जाएगा भाभी, कितना बटर खाएंगे, खाने जाए बटरी क्या हो, इतना ज़्यादा इतनी पतली है ना भाभी, और मैं तो एक्स्ट्रा बटर रख देती हूँ ऐसे। भाभी कह रही है इसको पाव में डाल देते हैं, भाजी में डाल देते हैं पाव भाजी। अच्छी भाभी ऐसे मत करो ना, ऐसे डाल चम्मच ही डाल दो ना, वहाँ क्या चम्मच डालने में, और डालेंगे ना पूरा डाल दो, फिर डालना ही तो पूरा आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना, इसको पाव भाजी खाते हुए देते हैं पूर्ण विराम। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो आज तो काफ़ी कुछ है मेरे ब्लॉग में, मज़ेदार मस्त मज़ेदार मस्त। तो चलो भाभी, बाय बाय बोलो, बाय बाय, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।